Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान, जिसको फॉलो करके आप 15 डेज में यानी 2 वीक्स में अपना 10 kg तक लूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी पीजी सा ये डाइट प्लान है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, किस तरह होती है और किस तरह से की जाती है, आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक रोज़े की तरह होता है। जैसे इंडियंस जो है व्रत रखते हैं और मुस्लिम्स जो हैं रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा क्या होता है, फास्टिंग। दो विंडोज इसमें होती हैं, एक होती है फास्टिंग विंडो, जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो कुछ नहीं खाते, इस तरीके से वो फास्टिंग विंडो होती है, और एक होती है जिसमें हम खाना खाते हैं और उसको कहते हैं ईटिंग विंडो। होती है 16:8, एक होती है 14:10। अब ये हमें देखना होता है कि हम 14:10 रखेंगे अपनी या 16:8। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 14:10 से शुरू कर सकते हैं। अब हमारी जो ईटिंग विंडो है वो 14:10 में होगी 10 की, यानी कि हम 10 घंटे तक खाना खा सकते हैं, और बाकी जो 14 जो बकाया 14 घंटे हमारे 24 घंटों में से रह जाते हैं, उसमें हमने कुछ भी खाना नहीं है, लेकिन हम पानी पी सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पानी पी सकते हैं, ऑब्वियसली पानी तो पी ही सकते हैं, असली में रोज़ा थोड़ी है। अगर इसी तरीके से हम 16:8 करते हैं तो उसमें हम 8 घंटे तक खाना खाते हैं और 16 घंटे हम बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, भूखे रहते हैं, और सिर्फ हम पानी पी सकते हैं या भी कोई भी ज़ीरो कैलोरी हम ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमने खाना कुछ भी नहीं होता। इंटरमीडिएट फास्टिंग से हम बहुत ही कम टाइम में अपना ज़्यादा केजीज लूज कर सकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो जो हमारी बॉडी जितनी देर हम कुछ भी नहीं खाते, यानी अगर हम 16 घंटे या 14 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी जो भी एनर्जी लेगी ना खाने पीने से, तो हमें नहीं मिल रही, तो उस दौरान में जो हमारी बॉडी एनर्जी लेगी वो हमारी सारी फैट से लेगी, तो हमारी जब फैट से वो एनर्जी लेगी तो हमारी चर्बी कम होगी, इसी तरीके से हमारा वेट लॉस होगा बहुत ही क्विकली। और इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी बहुत सारे हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। काफ़ी सारी रिसर्चेस में भी ये आया है कि रोज़ा रखने से या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारी बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, हमारा वेट लॉस होता है, हमारी डायबिटीज़ है अगर हमें शुगर है तो वो हमारी कम हो जाती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हार्ट डिसीजेज जिन लोगों को है उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है। उसके अलावा कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी ये बचाती है हमारी बॉडी को। वैसे तो हम लोग क्या होता है कि दिन में भी खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो नाश्ता करें, फिर भूख लगी फिर खा लिया, फिर भूख लगी फिर खा लिया, ये बहुत ज़्यादा खाना खाने से हमारा वेट गेन हो जाता है। तो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली हमारा वेट लॉस होता है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारने की आदत हो जाती है। हम बेफजूल में जो हर वक्त खाना खा रहे होते हैं जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है, उन चीज़ों से हम बच जाते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हमने इतने ही दौरान में खाना है और इतने घंटे हमने नहीं खाना। तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी फास्टिंग विंडो है ना, वो हम रात को, तो हमारी पूरी रात सोते हुए गुजर जाती है, तो हमारी फास्टिंग की विंडो हम लोग रात के करीब कर लेते हैं, तो वो हमारी फास्टिंग भी होती रहती है और नींद भी पूरी होती है। और उसके अलावा जो हमने दिन में टाइम रखा है उसमें हम काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कोई वर्किंग वूमेन है वो बाहर जाके काम करती हैं, हाउसवाइफ घर में काम करती हैं, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ते हैं, टीनेजर्स यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, ये सब जो है, तो हम लोग की इस तरीके से हमारी एनर्जी दिन में भी हमें आती रहती है, हमें थकावट नहीं होती, और रात जब होती है वैसे भी सोने का टाइम होता है तो हम लोग कम खाते हैं, क्योंकि रात को जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम रखा है कि आप सुबह उठो और मगरिब तक, देखें आप परिंदे वगैरह भी सब अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक हम खाते हैं, हमें रोशनी में खाना है, और रात जैसी हो तो हमें नहीं खाना। इस तरीके से हम अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। बिलीव मी गाइस, इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा ज़बरदस्त आते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारा फैट लॉस होता है। सबसे ज़्यादा जो वेट गेन होने का एक मेन मसला है ना हमारा, वो है लेट नाइट क्रेविंग्स, क्योंकि हम लोग रात तक जागते हैं, मूवीज़ देखते हैं, हमारी नींद भी पूरी नहीं होती, लेट सोते हैं, सुबह काम के लिए जल्दी उठना होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस में हमारी नींद का पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम अपने कम अज़ कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना हमें बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे मैक्सिमम लोग जो है वो 6 बजे उठ जाते हैं, उस हिसाब से हमें रात को एटलीस्ट 10 बजे 10 बजे लाजमी सोना चाहिए। 10 बजे अगर हम रात को सोएंगे तो सुबह 6 बजे उठेंगे तो ही हमारी 8 घंटे की नींद पूरी हो सकती है। और वीकेंड्स हैं, अगर आपकी छुट्टी है तो बिल्कुल आप 10 से 12 घंटे की नींद भी लें, बहुत ही अच्छा है, सोने से बहुत ही आपकी बॉडी भी हेल्दी होती है,
और सोना हमारे हेल्थ के लिए और हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 8 से 10 घंटे हमें सोना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर हम रात को 10 बजे सो जाएंगे ना, तो बिला वजह की जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं और उल्टा सीधा हम खा लेते हैं पूरा दिन डाइट करने के बाद, जो रात को हम क्रैश कर देते हैं ना अपनी डाइट को, उससे भी हम बच जाते हैं। तो इसीलिए रात को 10 बजे कोशिश करें, 10-11 बजे लाजमी सो जाएं। और उसके साथ साथ 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 2.5 से 3 लीटर आप पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती लेकिन हमारा दिल चाहता है कि कुछ खाने का। जब इस तरीके से क्रेविंग हो रही होती है खाने की, उसको कंट्रोल करने के लिए पानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हम 300 ml का पानी यानी 1.5 गिलास पानी हम एक वक्त में पी लें, उसके 15 मिनट बाद फिर भी हमें भूख लग रही है तो हमें कुछ खाना चाहिए। कभी कभार हमारी बॉडी बेफजूल में हमें कहती है यार कुछ खाते हैं कुछ खाते हैं, लेकिन वो होती हमारी बॉडी फुल होती है, हमारा पेट फुल होता है, लेकिन ऐसी गैर जरूरी तौर पे हम लोगों को खाना खाने की जो आदत होती है उसकी वजह से हम लोग का सिस्टम खराब हो जाता है, हमारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग की सारी गाइड कि हमें किस तरीके से कब कब इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 14/10 आवर्स की कर सकते हैं कि 10 घंटे खाना खाएं और 14 घंटे भूखे रहें। और अगर आप पहले भी कभी कभार कर चुके हैं और अगर आप कर सकते हैं, वैसे भी बिगनर होके भी अगर आप कर सकते हैं, तो 8 घंटे खाना खाएं और 16 घंटे आप कुछ ना खाएं। देखें टाइमिंग्स जो है ना वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं रात को जल्दी सोते हैं, इस हिसाब से अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करें। लेकिन देखिए सुबह अगर हम 6 या 7 बजे भी उठ रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सुबह 7 बजे खाना ही खाना है। हम थोड़ा सा रुक के खा सकते हैं। अगर हम सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो हम 10 बजे खाना खा नाश्ता कर सकते हैं, अपनी फास्टिंग तोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो हम 9 बजे अपनी फास्टिंग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता है। इसमें ये भी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई डाइट करनी है, रोटी चावल छोड़ने पड़ेंगे तब करेंगे। स्लो एंड स्टडी आपका वेट लॉस भी होता है और आप का माइंड और आपकी बॉडी भी सेट रहती है। तो चलिए, ये तो हमारी बातें हो गई सारी इंटरमीडिएट फास्टिंग की। अब हम चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ और डाइट प्लान को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। और मॉर्निंग ड्रिंक में हमने लेना है बहुत ही अच्छा विटामिन सी से भरपूर लेमन वाटर। लेमन वाटर हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छा काम करता है। सुबह जो हम अगर लेमन वाटर ले लेते हैं नीम गर्म पानी में, तो वो हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उस सबको फ्लश आउट कर देता है, हमारी बॉडी को साफ कर देता है, अंदर से क्लीन कर देता है। और आपको क्या, आपको पता है कि एक लीमू जो है, एक फुल बड़ा लीमू है, वो आपकी बॉडी में 97% विटामिन सी की कमी को पूरा कर देता है। एक लीमू इतना ज़बरदस्त है। तो आप मॉर्निंग ड्रिंक में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप लेमन वाटर ले सकते हैं। टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मैं जो आपको टाइमिंग बता रही हूँ वो 8 घंटे की विंडो के हिसाब से बताती हूँ कि अगर आप 8 घंटे के को खाना चाहते हैं तो हमने सुबह 10 बजे अपना खाना शुरू करना है और शाम को 6 बजे एंड कर देना है। तो अब हमने सुबह 10 बजे नाश्ता करना है, इसलिए हम 9 या 9:30 बजे अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेंगे, जो है ये जैसे मैंने आपको बताया लेमन वाटर आप ले सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप लेमन नहीं ले सकते या आपको विटामिन सी से एलर्जी है या XYZ कोई भी लेमन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। अपने 300 ml पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 टीस्पून सौंफ और 1/4 ही टीस्पून अजवाइन, इन दोनों को ऐड करना है। अच्छी तरीके से इसको बॉईल करें 2 मिनट तक और उसको चूल्हा बंद करके एक कप में डाल दें, और वो जब नीम गर्म हो जाए तो आपने उसको पी लेना है। ये दोनों मॉर्निंग ड्रिंक बेस्ट ड्रिंक्स हैं आपकी, जितनी भी आपकी चर्बी फैट लॉस प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी। लेमन जो है वो आपकी फैट को रिड्यूस करता है, फैट को कट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा फैट कटर ड्रिंक है, मॉर्निंग ड्रिंक है जिसे आप ले सकते हैं। इसी तरह से अजवाइन और सौंफ भी आपकी सारी ब्लॉटिंग को ख़त्म करती है, गैस होती है या कोई फैट वगैरह है उन सब को कम करती है और आपके फैट लॉस प्रोसेस को इन्हेंस करती है और ज़्यादा क्विक कर देती है। तो ये दोनों हो गई हमारी मॉर्निंग ड्रिंक जो हमने 9 से 9:30 बजे के दरमियान लेनी है। उसके बाद आ जाती है बारी हमारी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगी ऑमलेट सैंडविच। एग जो है वो फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर हम सुबह अपने नाश्ते में प्रोटीन लेंगे तो हमारा पूरा दिन पेट भरा रहेगा और हमारा प्रोटीन जो है वो सुबह नाश्ते में लेने से हमारी बॉडी भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है, बहुत ही अच्छा फैट लॉस हमारा प्रोसेस होता है। तो किस तरीके से हमने बनाना है कि हमने लेना है एक एग फुल और एक लेनी है अंडे की सफ़ेदी, यानी 1.5 अंडा हमने लेना है, 1.5 एक फुल एग और एक में सिर्फ वाइट। उसके अंदर आपने 1 1 टेबल स्पून अपनी सारी फेवरेट वेजीज ऐड करनी, यानी 1 टेबल स्पून कैरेट, 1 टेबल स्पून कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियंस, ये सारी चीज़ें ऐड करके नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करके आपने मिक्स करके 1 टेबल स्पून ऑयल में अपना एग रेडी करना है। उसके बाद आपने एक ब्रेड लेनी है, अपने टोस्टर में टोस्ट कर लेना है और उसके ऊपर आपने ये अपना
एग का सैंडविच रखना है, एग ऑमलेट रखना है, इससे आपका सैंडविच बन जाएगा। अगर आप ब्रेड किसी वजह से नहीं खाना चाहते तो आप 30 ग्राम्स की छोटी सी रोटी ले सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी, वो जितना हमारा ब्रेड का स्लाइस होता है इतनी ही हमारी रोटी आ सकती है। तो रोटी हमने लेनी है 40 ग्राम्स की, चले हम ले लें 40 ग्राम्स की हमने रोटी लेनी है छोटी सी, उसके अंदर हमने सैंडविच रखना है, उसको रोल कर लें या इसी तरीके से खा लें फोल्ड करके। आप देखेंगे कि इतना फुलफिलिंग और रिच ये बनता है। ये खाने के बाद आपको 3-4 घंटे तक मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि भूख नहीं लगेगी। आपको ब्रेकफास्ट को ऑप्शन नंबर 2 दूंगी, ओट्स। ओट्स बहुत ही अच्छा सोर्स है, फाइबर होता है इसमें और ये भी आपको फुल रखने में हेल्प करता है। तो ओट्स बनाना और खाना बहुत ही ईजी है। देखें, आप मसाला ओट्स भी बना सकते हैं और आप दूसरे ओट्स भी बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। 1 टेबल स्पून ऑयल में आपने थोड़ा सा हाफ अनियन आपने चॉप करके ऐड करना है, उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर लें। इसको अच्छी तरीके से सौते करने के बाद आपने इसमें टमाटर डाल सकते हैं, हाफ टमाटर आप ऐड कर दें, उसको अच्छी तरीके से पका लें। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर अपनी फेवरेट वेजीज ऐड करनी है, जैसे कैरेट्स, कैप्सिकम, कैबेज ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की वेजी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ओट्स के ऐड करने हैं और 1 गिलास पानी ऐड करना है। इन सबको पकाएंगे अच्छी तरीके से। जब ओट्स गल जाएंगे और देख लेंगे कि फुली कुक हो गई है सारी चीज़ें, फिर हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है और इसको खा लेना है। मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, नमक, लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हल्दी और धनिया पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहें। तो बहुत ही बेसिक सी ये रेसिपी है मसाला ओट्स की। ये मसाला ओट्स हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हमें ये भी फुलफिल रखेगा काफी देर तक, भूख नहीं लगेगी इसको खा के भी, ये मील बहुत ही हेल्दी है। तो ये 2 ऑप्शन हो गए। इसके साथ अगर आप सुबह में चाय लेना पसंद करते हैं, क्योंकि चाय के बगैर काफी ज्यादा होता है कि चाय के बगैर सुबह का आगाज नहीं हो सकता, जब तक मैं चाय ना पी लूं तो मुझे पूरा दिन नींद आती रहती है और मैं सोती रहती हूँ, यानी इस तरीके से होता है। तो आपने अगर चाय लेनी है तो आप 1 कप मिल्क टी भी ले सकते हैं, साथ में आपने 1/2 टीस्पून शुगर ऐड करनी है। बस आपने पूरा दिन में 1 ही कप चाय लेनी है, इससे ज्यादा चाय नहीं लेनी। 10 बजे हमने नाश्ता किया तो 10:30-10:30 तक हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा, खा पी लेंगे। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं, जिसके अंदर आपने कोई भी फेवरेट अपनी वेजी लेनी है। आप खीरा ले सकते हैं, खीरा बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही लो कैलोरी भी होता है और हमारे पेट को फुल कर देता है। तो खीरा या फिर गाजर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए खा सकते हैं, जो कि होगा अराउंड 12 to 12:30 के दौरान। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा हर वीडियो में कि अगर आपको पेट भरा हुआ है और आपको नीड नहीं है तो आप इसको मत खाएं, इसको खाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ना खाएं। आप सीधा लंच पे आ सकते हैं। लंच हम करेंगे 2 से 2:30 बजे के दरमियान। लंच के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि लंच में आप अपनी रोटी या फिर चावल, जो भी आप खाते हैं वो आप ले सकते हैं, फिर घर में जो भी सब्जी बनी है वो ले सकते हैं, आपके घर अंडा एग करी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, वो भी फुल ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा आपके घर कोई भी गोश्त का सालन बना है, चिकन का सालन बना है, या कोई सब्जी बनी हुई है, भिंडी, गोभी, कुछ भी बना हुआ है, वो आपने एक छोटी प्याली में लेना है और 1 छोटी चपाती या फिर 1 टेबल स्पून चावल, साथ ही 1 छोटी सी कटोरी में हमने सालन लेना है। इसी तरह एक सेम अमाउंट में उसी कटोरी में हमने 5 टेबल स्पून योगर्ट के लेने हैं और 1 बड़ी कटोरी में हमने कचूमर लेना है, जिसे हम सलाद कहते हैं। खीरा, गाजर, टमाटर, लीमू, शिमला मिर्च और कॉर्न्स, इन सारी चीज़ों को, सलाद पत्ता बहुत अच्छा होता है, लेटस होता है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम सलाद बना सकते हैं। एक प्लेट में हमारी 4 चीज़ें होनी चाहिए, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, 4 चीज़। रोटी हमारी होगी 60 ग्राम की, जो सालन और दही है वो हमारी 1 जैसी कटोरी में होना चाहिए, सालन भी हमारा 3 टेबल स्पून होना चाहिए और दही हमारा 4 to 5 टेबल स्पून होना चाहिए, और सलाद तो हमने 1 बड़ी प्याली लेनी है। ये हो गया हमारा लंच का ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने लेनी है, लेकिन रोटी की जगह हम चावल ले लेंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट है, अगर हमने कार्ब्स लेने हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में ही ज़्यादा कार्ब्स खा लें जो खानी है, ताकि हम लोग की रात को हम लोग लाइट डिनर करें, ताकि हमारी बॉडी जल्दी जल्दी हमारा फैट लॉस कर सके। तो ये हो गया हमारा लंच ऑप्शन, और लंच के बाद हमने लेनी है 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी आप टी बैग वाली भी ले सकती हैं, या फिर अक्सर पंसारी की दुकान में पत्ते मिलते हैं, ग्रीन टी लीव्स मिलती है, या लेमन ग्रास टी मिलती है, आप वो भी ले सकती हैं। इसके बाद शाम हो जाएगी, शाम के टाइम अगर हमें भूख लगती है और हमें इवनिंग स्नैक की नीड पड़ती है तो हम 4:30 या 5 बजे के दौरान अपना इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी कि आप कोई भी अपना फेवरेट फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फेवरेट फ्रूट ले लें,
जैसे कि अनार आए हुए हैं आजकल, आप एक अनार खा सकते हैं, इसके अलावा आप एक एप्पल खा सकते हैं, आप इसके अलावा एक बनाना खा सकते हैं, इसके अलावा आप अगर वाटरमेलन है तो एक कप वाटरमेलन ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट आप एक ले सकते हैं। वेजिटेबल्स के साथ साथ हमारी बॉडी को फ्रूट्स की भी ज़रूरत होती है, तो हम लोग एक कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर 2 में हमारा है कि हम एक कप दूध ले सकते हैं। दूध बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दूध जो है वो हमने लो फैट लेना है, दूध से हमारी बॉडी में तवनाई भी आती है, हेल्दी भी होती है, दूध से हमारा पेट एकदम फुल हो जाता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है मिल्क का। थर्ड ऑप्शन भी चले मैं आपको दे देती हूँ कि उसके लिए ये है, आप 50 ग्राम रोस्टेड मखाना खा सकते हैं या फिर भुने हुए चने यानी रोस्टेड चिकपी खा सकते हैं। नट्स कोई भी लें तो वो हमारी डाइट के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप मखाना खा लें या फिर आप रोस्टेड चना खा लें। हम अपने डिनर ऑप्शन की तरफ चलते हैं और डिनर के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि 6 से 6:30 बजे के दरमियान अपना खाना खा के ख़त्म कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। डिनर में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, तो डिनर में आप कर सकते हैं, खा सकते हैं 2 बेसन चीला खा सकते हैं आप। बेसन चीला बहुत ही अच्छा होता है, बेसन जो है वो वेट लॉस फ्रेंडली है, वो आपकी भूख को भी नहीं लगने देता और काफ़ी आपको हेल्दी और फुलफिलिंग आपका ये मील है बेसन चीला। इसको बनाना का तरीका बहुत ही ईजी है कि 2 टेबल स्पून बेसन लें, इसके अंदर ऐड करें अपने फेवरेट मसाला जैसे नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें अपनी फेवरेट वेजी ऐड करें, प्याज ऐड कर लें आप इसमें, टमाटर ऐड कर लें, धनिया ऐड कर लें, ये सारी चीज़ें आप ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करें। और 1 टेबल स्पून ऑयल में हमने ये यानी 1/2 टेबल स्पून ऑयल में 1 चीला और 1/2 टेबल स्पून ऑयल में 2 चीला, मेरे ख्याल में ये जो 2 टेबल स्पून बेसन है इससे हम 3 चीला बना सकते हैं। इसके साथ अपना फेवरेट रायता लें, रायते के साथ लगा लगा के खाएं, इतना मज़े का लगता है ना, ये बहुत ही अच्छा डिनर ऑप्शन है बेसन चीला। 3 बेसन चीला आप खा सकते हैं। ये बेसन का जो आटा होता है वो हमारे रेगुलर आटे से कम कैलोरीज का होता है और ये हमारा फैट लॉस या वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर बेसन के चीले के साथ साथ हम मूंग दाल चीला भी खा सकते हैं, मूंग की दाल को पीस लें और बेसन की जगह हम लोग 2 टेबल स्पून मूंग दाल खा सकते हैं, डाल सकते हैं, बाकी सारी रेसिपी वैसी ही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप रायते के साथ इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही फुलफिलिंग ये मील है। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 आपको दूंगी कि आप ले सकते हैं चिकन सैलेड, आप ले सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, 50-70 ग्राम आपने चिकन लेनी है, उसके बाद हमने दही के अंदर अपने फेवरेट मसाले ऐड करने हैं और उसको चिकन के ऊपर लगा के मैरिनेट कर देना है 30 मिनट्स के लिए और फिर 1 टेबल स्पून ऑयल में हम इसको ग्रिल कर लेंगे, हम फ्लिप करके उसको अच्छी तरह पका लेंगे ढक्कन देके, और जब हमारा चिकन कुक हो जाएगा तो हमने उसके छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। फिर हमने लेनी है अपनी फेवरेट वेजीज जिसके अंदर आ जाता है, लेटस आप यूज़ कर लें, खीरा यूज़ कर लें और प्याज आप डाल सकते हैं या टमाटर डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून योगर्ट के ऐड करने हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है काली मिर्च और नमक ऐड करके, और फिर आप इसके अंदर चिकन ऐड करें और उसको मिक्स करें और खाएं, इतना अच्छा ये चिकन सैलेड बनता है, बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही हेल्दी, आपका पेट भी भर जाता है और आपको खाने में भी मज़ा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हो गए हमारे डिनर के 2 ऑप्शंस जो मैंने आपको दे दिए हैं। इसके बाद हमने रात को लेनी है ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेमन ग्रास टी ले सकते हैं। लंच और डिनर के बाद ग्रीन टी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जल्दी जल्दी हमारे खाने को हजम करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने अपने इंटरमिटेंट डाइट प्लान को फॉलो करना है और आप बिलीव करें किसी भी एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइट के बावजूद भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इस डाइट प्लान को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, अगर आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल बना देंगे, अपनी लाइफ को इसी तरीके से गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी लाइफ में आपकी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, आप 1 घंटे की डेली वॉक को अपनी लाइफ में जगह दे दें। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे की वॉक आपने लगातार 1 घंटे ही करनी है, 30 मिनट्स आप दिन में कर लें, 30 मिनट्स आप डिनर के बाद कर लें, आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे की वॉक करेंगे तो बिलीव मी गाइज, इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं डेली 1 घंटे की वॉक करती हूँ, चाहे मुझे वेट लॉस करना है या नहीं करना, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है ऐसी जो कि मेरी बॉडी को हेल्दी रखती है, मेरी बॉडी को स्ट्रांग बनाती है। मेरी माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं या मेरा माइंड अगर स्ट्रेस में होता है, आप यकीन करें ये स्ट्रेस भी हमारे माइंड से दूर करती है। अगर हमसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती तो वॉक करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ आपने कोई भी जंक फूड नहीं खाना, आपने 15 दिन तक कोई जंक फूड नहीं खाना, कोई चीट मील नहीं लेना, कोई डाइट प्लान को तोड़ना नहीं है, आपने इसी तरीके से अपनी डाइट करनी है और इंशाल्लाह आपका 2 वीक्स में 10 kg लाजमी लूज होगा। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल होता है वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कर दिया करें, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, ये तो आपको पता है, राइट? तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।